हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते आपके आशीष, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आपने हमें प्रभु सुंदर अवसर दिया, प्रभु जीवित के जमीन पर प्रभु अनेक लोग तो जीवित है। प्रभु आज का दिन को प्रभु विश्राम दिन का स्मरण करके प्रभु आपके महिमा आदर आपकी बढ़ाई करने के लिए आपके भवन में आने के प्रभु आपने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। प्रभु हमारे पापों के कारण, हमारी दुर्बलता के कारण आपने हमें किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्या में जाने नहीं दिया, परंतु प्रभु हमारे हर बातों में, हर जरूरत में, हर वक्त में प्रभु साथ देते, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिछले हफ्ते के लिए धन्यवाद करते, पिछले दिनों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, अब तक की हर एक जरूरत के लिए हम धन्यवाद करते पिता। आज के वचन कर आज प्रभु आपकी सेवकाई के लिए आए हुए प्रभु, आपके वचन की तरह जो भी सुने प्रभु हृदय में हम रखे प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल हो सके, आप हमें अनुग्रह करना प्रार्थना करते प्रभु। और जो तमाम प्रभु आपकी सेवा आराधना के द्वारा आपकी प्रभु जो प्रभु भवन में प्रभु कई सारे लोगों ने प्रभु गवाही दी, आपकी गवाही के साथ साथ प्रार्थना विषय किए हैं और अपना गवाही भी दिए प्रभु, उन सभी को आप आशीष देना, बहुत आयता से प्रभु अनुग्रह करना, ताकि वो लोग मजबूत में प्रभु आपकी बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रार्थना करते यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित है प्रभु, सभी को प्रभु आप आपकी प्रभु अनुग्रह के प्रभु छत्र छाया में बनाकर रखना पिता परमेश्वर। किसी को भी प्रभु कोई भी परीक्षाएं, कोई भी बाधाएं, कोई भी प्रकार की बहुत प्रभु उनको प्रभु परेशान न करने पाए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जी। और जो प्रभु बच्चे यहाँ पर है प्रभु, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप प्रभु अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर है, उनको भरपूर ज्ञान बुद्धि में प्रभु आप आशीष देना पिता परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हुए सभी का स्वास्थ्य करें, प्रार्थना करते प्रभु अनुग्रह करना, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी किसी के ऊपर हावी ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु बच्चे यहाँ पे प्रभु आपके वचन जो बताते हैं प्रभु, उन वचन प्रभु उनके जीवन में प्रभु ऐसे प्रभु मजबूती के साथ बना रहे, ताकि आने वाले दिनों में उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा के निमित्त अनेक फल आने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए सभी के काम काजों के लिए, कारोबार के लिए प्रार्थना करते उनके जीवन में प्रभु आशीष देना पिता परमेश्वर, ताकि हमेशा प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी किया हुआ कामों को प्रभु अलग प्रभु आप प्रभु एहसास करके प्रभु आपके भवन में आकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु पिछले दिनों में प्रभु हमारे देश में प्रभु प्रभु बहुत सारे जगह में प्रभु बारिश के मौसम में प्रभु बहुत सारे जगह में बाढ़ की समस्या, और प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु परेशान में है पिता, उन सभी का आप प्रभु अनुग्रह करना, दया करना है पिता परमेश्वर। यहाँ पे प्रभु महिमा और शांत को उनके परिवार में हर एक मेंबर्स को और पूरे संस्था को प्रभु हर एक स्टाफ का आपके हाथ में देते प्रभु आप दया करना है पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आने वाले हफ्ते में पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह दया में हमें प्रभु आगे बढ़ पाए, और प्रभु आपकी वचनों में प्रभु अधिक से अधिक प्रभु मजबूत होने पाए, आप हमें दया करना। प्रभु सारे बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, छोटी सी विनती उद्धार होता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।